वर्ल्ड हिंदी खोज के तहत हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया से जुड़ी ऐसी जानकारियाँ जो आपको हैरान कर देती। क्या कोई नींबू 1.5 लाख का भी बिक सकता है? 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं धरती के इन 5 जगह के लोग। दुनिया का एक ऐसा समुद्री तट जहाँ पहुँचते ही खत्म हो जाती है सारी दुनिया। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंसान की उम्र उसके खान पान, लाइफ स्टाइल, जेनेटिक्स और एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करती है। धरती पर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ के लोग काफी कम जीते हैं, तो वहीं कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ के लोगों की उम्र 100 साल से भी ज्यादा होती है। रिसर्च के मुताबिक धरती पर ऐसे 5 एरिया हैं जहाँ लोग 100 साल से भी अधिक जीते हैं। उन्हें ब्लू जोन के नाम से जाना जाता है। द ब्लू जोन और द ब्लू जोन सॉल्यूशन के लेखक ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो कौन सी जगह है जहाँ के लोग लंबी उम्र जीते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। सार्डिनिया, इटली। प्लांट बेस्ड खाना, रोजाना की फिजिकल एक्टिविटी और फैमिली के साथ समय बिताने वाले सार्डिनियन के लोग भी 100 साल से अधिक जीते हैं। यहाँ के लोग कम से कम 5 मील चलते हैं और परिवार के साथ समय बिताकर खुश रहते हैं। यहाँ के लोगों के DNA में M26 मार्कर जीन है जो उनमें पीढ़ियों से मौजूद है। निकोया, कोस्टा रिका। अधिकांश ब्लू जोन के लोग प्रोस्टेट फूड से बचते हैं। निकोया के रहने वाले लोग अपने डाइट में सेम देसी सब्जियों और ट्रॉपिकल फूड खाते हैं। यहाँ के लोग प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं जिससे उनका शरीर स्वस्थ और फिट रहता है। यहाँ के लोग 90 साल की उम्र तक भी एक्टिव रहते हैं। लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया। ये अमेरिका का एकमात्र ब्लू जोन है। यहाँ के लोग अमरीकियों की तुलना में 10 साल अधिक जीते हैं। यहाँ के लोग नॉन वेज खाने से बचते हैं और प्लांट बेस्ड चीजें, साबुत अनाज और ड्राई फ्रूट खाते हैं। एक्रिया, ग्रीस के लोग बहुत सारे फल, सब्जियों, बीन्स, साबुत अनाज, आलू और ऑलिव ऑयल का सेवन करते हैं। यहाँ 3 में से 1 व्यक्ति 90 साल से अधिक जीता है। ओकिनावा, जापान। जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोगों का दावा है वहाँ की महिलाओं की उम्र 100 साल से भी अधिक होती है। दुनिया में ऐसे कई बीच हैं जो सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। साउथ अफ्रीका में भी एक ऐसा तट स्थित है जहाँ जाना खतरे से खाली नहीं, वहाँ जाने से मौत का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल हम जिस बीच की बात कर रहे हैं वो साउथ अफ्रीका के नामीबिया देश में स्थित है, जिसे कंकाल तट भी कहा जाता है। ये 40 किलोमीटर की चौड़ाई और 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। समुद्री तट से आने से पहले लोग लाखों बार सोचते हैं। यहाँ बिखरे कंकाल, तबाह हो चुके जहाज और रेगिस्तानी शेर आराम से देखे जा सकते हैं। कंकाल तट इसलिए भी खतरनाक माना जाता है क्योंकि यहाँ शेर, चीते, लकड़बग्घा रेत में छुपकर इंसानों का शिकार कर उन्हें उठा ले जाते हैं। कंकाल तट अन्य कारणों से भी फेमस बताया जाता है। यहाँ लगभग 500 जहाजों का मलबा पड़ा हुआ है, जिस वजह से जहाजों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यूं इस जगह की सैर करना आम बात नहीं, लेकिन आप क्वालिफाई ऑपरेटर के साथ यहाँ आ सकते हैं। यहाँ समुद्र तट के किनारे हड्डियाँ पाई जाती हैं जो इंसानों की होती हैं। समुद्र तट के उत्तरी भाग में नेशनल पार्क में बटा है। यहाँ उत्तरी भाग में पहुँचना नामुमकिन है, जबकि दक्षिणी भाग में काफ़ी सारी मछली पाई जाती हैं जो आकर्षित करती हैं।